दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 9 बजे से और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आज मायके जा रही हूँ। कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और आज एकदम प्यारी सी धूप खिल चुकी है। तो मैंने बहुत सारे मीम्स देखे हैं, मतलब देखा है कि लोग बोलते हैं कि जब बीवी मायके जाती है तो हस्बैंड बहुत खुश होते हैं। तो अपने हस्बैंड से पूछती हूँ इनको खुशी होगी या दुख। हेलो हेलो, तो बोलो यार मग। हाय हेलो। तो आपको मेरे जाने से खुशी होगी या दुख? खुशी, बहुत खुशी। जाइए फटाफट जाइए जितनी जल्दी। तो ये बात है, भाई पता नहीं हम लोग क्या करते हैं, इनका सारा काम तो करके देते हैं लेकिन हमारे जाने के बाद ये लोग खुश हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद हमें जल्दी जल्दी जाना भी है। तो सबसे पहले हम पैकिंग का काम शुरू करते हैं, आपसे मिलते हैं सीधे रेडी होने के बाद। और हाँ, मुझे लेने यहाँ पे अलका आई हुई है, मेरी छोटी सिस्टर। तो हम लोग थोड़ी देर में बाइक के लिए निकल जाएंगे। सुबह सुबह तक क्या आतंक मचा रखा है इन बंदरों ने, यहाँ हमेशा के काम है इनके। तो दोस्तों अभी हम लोगों की तैयारी हो चुके हैं, हम रेडी हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा तो हमारे पास बैग हो चुके हैं और मैडम जी आ रही हैं हमको लेने। तो चलिए सीधे मिलते हैं आपको रास्ते में, देखते हैं ब्लॉगिंग हो पाती है या नहीं। चलिए परेशान मत करो, मेरे को पूरे घर जाओ जाओ, हम जा रहे हैं। बोलो हम जा रहे हैं, उनको परेशान मत करो। हाँ भाई की मजे गाड़ी चलो आराम से तो कर यार, कर देना यार नहीं करना। मैं और सोमू छोटी रानी के रूप में पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुँचे सोमू? कीमत है ना, है ना? इस्माइल कर दो, इस्माइल इस्माइल। हाँ मम्मा। सोमू हाय, कहाँ कर रहा बच्चा? इस्माइल कर रहा, इस्माइल कर दे बच्चा। बोलो भूख लगा, भूख लगे इसको है नहीं। और ये यहाँ पे सोमू का मामा मिल चुका है। ये अभी जा रहे हैं नानी के घर और सोमू अपनी नानी के घर आ रखी है। तो ये परसों वापस आएगा और इसने अभी सोमू को यहीं पे मिल लिया है। और हमको लेने ना दादी आई हुई थी मंसूना मार्केट तक, और दादी अभी ना सामान ले जा रही है, बोलिए सोमू को पकड़ने में थोड़ा अच्छी लग रहा है। तो और अभी हम पहुँच चुके हैं जगदर में, जागदेव के मंदिर के पास। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर पर और अभी शाम के 3 बजने वाले हैं। और हमारे घर से मार्केट बहुत ही नीचे है जो कि मंसूना मार्केट है। कहाँ आया? नानी के घर आया सोमू। हेलो हेलो नानी बन, नानी बन जॉनी आ जा। सोमू कहाँ पहुँचा बच्चा? सोमू कहाँ आया? नानी के घर आया। ओए शोमू, हेलो शोमू, नानी के घर आ गया, नानी के घर आ गया बच्चा। क्या चला गया शोमू को? शोमू कैसे लग रहा? ओए कालू मम्मा। अभी ना अपना जोनी देखो कुरकुरा खाने पहुंच चुका है, इसको पता है ये हमेशा मेरे लिए कुरकुरे लेके आती है। देख खाने और किसके साथ में अभी खा लूंगी। जॉनी का फेवरेट कुरकुरा है टेढ़े मेढ़े है। ले पूरा तू ही खा ले, खा चल। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और मैं सोमू को सुला के थोड़ा खुद ही सो गई थी, जुकाम भी लग गया और आज तो बारिश भी स्टार्ट हो गई। और देखिए ऊपर चौकुम्बा साइड बर्फबारी भी शुरू हो गई है, ठंडा बहुत हो गया आज। ऊपर पर पूरी की पूरी बर्फबारी शुरू हो गई है
पूरा मौसम पैक हो चुका है, आज पूरी की पूरी बर्फबारी शुरू हो गई है। और मुझे ना इस वाले पेड़ से मम्मी ने थोड़ी सी घास काटने के लिए बोला था, लेकिन तब तक बारिश शुरू हो गई और मम्मी लोग तो जंगल जा रखे हैं, तो चलिए क्या करना, मुझे घास तो निकालना होगा, बाद में ज़्यादा बारिश हो जाएगी। तो मैंने घास काट के रख दिया है यहाँ पर। और भाई साहब मौसम देख सकते हो आप लोग, बहुत तगड़ी वाली बर्फबारी हो रही है। कल ना ये पूरे पहाड़ पूरे वाइट वाइट दिखेंगे हमको। और ये रहा हमारा घर, तो चलो ठंडा बहुत हो गया तो पहले आग जला देते हैं। अभी ना दादी जंगल से लकड़ियाँ लेके आ गई है, और दादी देखो जंगल से इतनी ठंड में लकड़ियाँ फाड़ के लेके आ गई है आग जलाने के लिए। और हमारे यहाँ तो ठंडों में दिन भर आग जलती रहती है, और यहाँ पे दादाजी ने तो आग जला ही रखी है, और दादाजी यहाँ पे मजे से आग सेक रहे हैं। देखो फुल आग गिट पड़े थे। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, और अपनी आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सोमू के साथ मैं आज ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, सोमू को लाना भी था और ब्लॉगिंग साथ में नहीं हो पाई, तो कल से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड।